स्टार देवानंद को तो सब जानते ही होंगे। वो अपने समय के जाने माने एक्टर्स में जाने जाते थे। उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया है। एक समय ऐसा भी था जब लड़कियां उन पर मरती थी। देवानंद एक अच्छे एक्टर तो थे ही, लेकिन साथ ही वो अपने वादे के भी बहुत पक्के थे। एक बार जो वो वादा कर देते थे वो उसे पूरा करके ही मानते थे। एक एक्ट्रेस से देवानंद जी ने कहा था कि वो उनकी फिल्म की हीरोइन होंगी। फिर बाद में उन्होंने उस लड़की को बिना फोटो देखे और बिना ऑडिशन के ही फिल्म की हीरोइन बना लिया। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। दिग्गज अभिनेता देवानंद से जुड़े वैसे तो कई यादगार पल हैं। उनसे जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम आपको उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा बताएंगे जो साबित करता है कि देवानंद एक बेहतरीन अभिनेता होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि देवानंद अपनी बातों के भी बेहद पक्के थे। दरअसल देवानंद से जुड़ा ये किस्सा एक्ट्रेस जरीना वहाब ने एक द कपिल शर्मा शो के दौरान सुनाया था। शो के दौरान जरीना वहाब ने बताया था कि कैसे देवानंद ने बिना उनका चेहरा देखे उन्हें अपने फिल्म की हीरोइन बना लिया था। जरीना वहाब इसी साल द कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। शो के होस्ट और कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ बातचीत के दौरान जरीना ने खुलासा किया कि कैसे उन्हें अपनी पहली फिल्म इश्क 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 मिली। अभिनेत्री ने अपने करियर में चिचोर, सितारा, गोपाल कृष्ण और नानी स्टार दशहरा सहित कई फिल्मों में अपनी काबिलियत साबित की, लेकिन उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म कैसे मिली इसके पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जरीना वहाब ने कपिल शर्मा से बातचीत के दौरान बताया कि इश्क 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 में देवानंद ने उन्हें बिना चेहरा देखे बिना ऑडिशन लिए ही कास्ट कर लिया था। इस पूरे किस्से के बारे में बताते हुए जरीना वहाब ने ये भी बताया कि वो समय था जब वो मुंबई पहुंची थी और इसी दौरान उन्हें किसी ने बताया कि दिग्गज एक्टर और डायरेक्टर देवानंद एक फिल्म बना रहे हैं और इस फिल्म के लिए उन्हें किसी एक्ट्रेस की तलाश है। फिल्म की शूटिंग मुंबई में ही होनी थी। इसी शख्स ने जरीना से फिल्म के लिए ऑडिशन देने को कहा और बताया कि इसमें उन्हें बेहद ही खास रोल मिल सकता है। लेकिन फिल्म के लिए ऑडिशन देने से पहले ही जरीना वहाब को जबरदस्त सरप्राइज मिल गया। दरअसल एक्ट्रेस जरीना वहाब ने बताया कि देवानंद के साथ उनकी पहली बातचीत के दौरान ही वो हैरान रह गई थी, क्योंकि जब उन्होंने देवानंद का नाम पुकारा तो उन्होंने बिना तस्वीर देखे बिना ऑडिशन लिए बिना उनका चेहरा देखे कहा कि हम साथ काम कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने कहा, मैं अपनी तस्वीरों को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जब मैंने उनका नाम पुकारा देव साहब मेरे पास आए और कहा हम साथ में काम कर रहे हैं। मैं उस वक्त काफी हैरान हो गई थी, लेकिन मैंने भी जल्दी जल्दी अपना पता लिखा और चली गई। लगभग एक हफ्ते के बाद देवानंद की प्रोडक्शन टीम ने जरीना से संपर्क किया और बताया कि फिल्म निर्माता उनसे मिलना चाहते हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि इस बार भी वो जब सेट पर पहुंची अपनी सारी तस्वीरें उन्होंने साथ ले रखी थी, लेकिन उनकी कोई भी तस्वीर देखे बिना देवानंद ने उनकी तारीफ की और कहा कि उनका चेहरा काफी फोटोजेनिक है, मुझे इसे देखने के लिए आपकी तस्वीरों की आवश्यकता नहीं। अभिनेत्री ने इसके बाद उस दौर के उन निर्देशकों की तारीफ करते हुए कहा कि उस दौर के डायरेक्टर्स के पास कैमरे जैसी पेनी नजर। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए गुड बाय।